हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम हल्दी के बारे में, हल्दी के फायदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो हल्दी बनाए हेल्दी, है ना? यानी हल्दी हेल्दी बनाती है। तो हल्दी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी। हल्दी जमीन के अंदर पैदा होने वाली एक बूटी है, जिसका मसालों के रूप में, सभी सब्जियों और दालों के रूप में हम अपने किचन में यूज करते हैं। हल्दी में ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनके कारण उनका उपयोग अनेक रोगों में भी किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की धीमी गंध होती है। इसके प्रयोग से अफारा आदि दूर होता है और शरीर सामान्य स्थिति में बना रहता है। हिस्टीरिया के दौरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह बताऊं कि हल्दी अगर आपके घर में पिसी हुई है तो वो सबसे अच्छी है, सबसे उत्तम है। उसके फायदे सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। एक ग्लास गर्म पानी में घर की पिसी हुई हल्दी मिलाकर पीने से हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये देखने में कुछ अदरक के जैसी होती है, तो इसे अदरक की फैमिली भी कहा जाता है। हल्दी लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका लेप लगाकर, लेप बनाकर भी हम स्किन पर यूज कर सकते हैं और दूध में मिलाकर भी। हल्दी को नियमित रूप से लेने से कैंसर का खतरा ना के बराबर हो जाता है। आर्थराइटिस में आराम करती है। जिन लोगों को हाथ, घुटना, कमर, कोहनी आदि जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें हल्दी का सेवन से बहुत आराम होता है। हल्दी नजला, जुकाम, खांसी में बहुत फायदेमंद है। पीरियड्स के दौरान भी दूध में मिलाकर हल्दी लेने से बहुत आराम मिलता है। सुबह उठने के बाद गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को रोगों से लड़ने में ताकत मिलती है। हल्दी अगर आप दूध में मिलाकर ले रहे हैं तो फैट फ्री दूध लीजिए, और अगर आपका शरीर बहुत थका हुआ रहता है तो दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की ताकत लौट आती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में बहुत फायदेमंद है। हड्डियों की ताकत लौटाती है। लीवर किडनी को ठीक करती है। हल्दी का पानी पीने से दिमाग तेज होता है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है या जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो हल्दी उनकी इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर देती है। हल्दी का नियमित सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। हल्दी की विशेषता यह है कि इससे आंतों का विष दूर होता है। आंतों की किसी भी प्रॉब्लम में हल्दी के पानी को छाछ में मिलाकर पीने से फायदा होता है। छाछ में हल्दी के प्रयोग से पुराने दस्त बंद हो जाते हैं और पेट का अफारा ठीक हो जाता है। पेट के कीड़े होने की स्थिति में कच्ची हल्दी का रस थोड़े से नमक में मिलाकर खाली पेट सुबह लेने से कीड़े बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। हल्दी में लौह तत्व काफ़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए इसके रस में शहद मिलाकर प्रयोग करने से खून की कमी भी दूर हो जाती है। दोस्तों, पुराने समय में हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि चोट लगने पर वो गर्म दूध के साथ हमें हल्दी खाने के लिए देते थे। इससे शरीर में सूजन, अंदर का कहीं मांस फटने की स्थिति में लाभ होता था। बहुत से लोग चोट लगने पर वहां पर हल्दी का लेप कर देते थे। कटे हुए स्थान पर हल्दी भर दी जाती थी। इस प्रकार हल्दी का प्रयोग चोट और त्वचा संबंधित सभी रोगों में किया जाता है। शरीर पर कहीं दाद होने की स्थिति में कच्ची हल्दी का रस उस स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। दोस्तों, अगर दांतों में दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हल्दी में नमक और सरसों का तेल मिलाकर उसका मंजन बनाकर इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। हल्दी को आग में भूनकर उसका चूर्ण बना लें। उसे दांतों पर मलने से दांतों के कीड़े समाप्त हो जाते हैं और दर्द में भी आराम मिल जाता है। दांतों के भयंकर दर्द में हल्दी और हींग को बारीक पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। आंखों में भी हल्दी के बहुत आराम है। आंखों के दर्द में हल्दी को पानी में उबालकर छान कर रख लें। इसकी कुछ बूंदें दुखती आंख में 3-4 बार डालने से आंखों की लाली और दर्द ठीक हो जाता है। आंख में किसी भी प्रकार का घाव हो जाने की स्थिति में हल्दी की गांठ को पानी में घिसकर सलाई द्वारा आंख में लगाने से आंख का दर्द ठीक हो जाता है। मधुमेह के रोगियों को भी पिसी हुई हल्दी का चूर्ण पानी का साथ लेने से लाभ होता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे घर में शादी होती है, लड़का या लड़की को हल्दी घिसकर उसका उबटन बनाकर इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें हल्दी, चंदन, थोड़ा चने का आटा, गुलाब जल, थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर इसका उबटन बनाकर हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन, कोहनियों आदि पर मला जाता है, जिससे कि दूल्हा या दुल्हन में उनके रूप में निखार आ जाता है। चेहरे पर दाग और झाइयों होने पर हल्दी के चूर्ण में तेल और गर्म दूध मिलाकर चेहरे पर लेप करने से दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। पिसी हुई हल्दी में चंदन का बुरादा और थोड़ा चने का आटा मिलाकर पतली सी लोई बना लें। चेहरे, गर्दन और कोहनियों पर मलने से त्वचा निखर उठती है।
इसे स्नान करने से पहले लगाने से सौंदर्य बढ़ता है। हल्दी में थोड़ी दही मिलाकर चेहरे पर मलने से धूप से झुलसी हुई त्वचा में आराम मिलता है, त्वचा उन्हें अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। सर्दियों के दिनों में हाथ पैर की उंगलियों के बीच में चमड़ी गल सी जाती है, उस स्थान पर मवाद भर जाती है और फुंसियों के साथ खुजली भी होने लगती है, उंगलियां लाल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक चम्मच हल्दी का चूर्ण गर्म दूध में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर चीनी आदि डालकर पीने से लाभ होता है। हल्दी को पानी में उबालकर ठंडा होने पर खुजली वाले स्थान पर लगाने से खुजली समाप्त हो जाती है और फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। जुकाम और दमे की स्थिति में भी जब कफ निकलता हो तो दिन में 2-3 बार 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण पानी के साथ लेने से लाभ होता है। हल्दी को आंख पर डालकर उसका धुआं सूखने से सांस के रोगों में लाभ मिलता है। इस प्रकार हल्दी को यदि गर्म पानी से लिया जाए तो जुकाम और दमे में आराम मिलता है। सर्दी से होने वाले जुकाम के लिए 1 चम्मच गर्म हल्दी को घोलकर पानी पीने से जुकाम ठीक होता है। स्त्री के स्तनों में यदि गांठ हो जाए और दर्द हो तो हल्दी के चूर्ण को ज्वारपाठे के रस में मिलाकर गर्म करें और ठंडा होने पर स्तनों पर लेप करने से गांठ और सूजन दूर हो जाती है। बवासीर में भी हल्दी का चूर्ण पानी में मिलाकर मस्से पर लगाने से लाभ होता है और मस्से दूर हो जाते हैं। मूत्र नली में किसी प्रकार का घाव होने से मूत्र आने पर कष्ट होता है, उस समय हल्दी का चूर्ण पानी के साथ लेने से लाभ होता है और मूत्र नली के घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कुछ दिन लगातार करना पड़ता है। और दोस्तों, हल्दी के इतने सारे फायदे बताने के बाद मैं आपको इसका एक नुकसान भी बताऊंगी। प्रेग्नेंट औरतों को हल्दी का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ज्यादा हल्दी का सेवन घातक सिद्ध हो सकता है, तो उन्हें थोड़ा सा इसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको मुझसे किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपको वो जानकारी दे सकूं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगली वीडियो आने तक थैंक यू।